गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मायसेल्फ अशोक गोयल, जेपीसी 12, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेटन साइकिल के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी गैस टरबाइन के, गैस टरबाइन कैसे काम करता है, गैस टरबाइन का क्लासिफिकेशन क्या है, गैस टरबाइन का एप्लीकेशन क्या है, और गैस टरबाइन ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में मेन डिफरेंस क्या है, इन सब की हमने बात करी। अब हम जानते हैं कि कोई भी पावर प्लांट हो या कोई भी मशीन हो, कोई ना कोई प्रोसेस के ऊपर काम करता है, कोई ना कोई साइकिल उसमें होता है। यहाँ हम बात करेंगे, जैसे दो हमने पढ़े थे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो जनरली जो मेनली काम में आता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस गैस टरबाइन पावर प्लांट है। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन पावर प्लांट जिस साइकिल पर आधारित है उसका नाम है ब्रेटन साइकिल। तो आज हम बात करेंगे ब्रेटन साइकिल के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन, ये दो तरह का टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इन कंबशन चैम्बर। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पर आधारित जो गैस टरबाइन है वो जिस साइकिल पर काम करेगा उसका नाम है ब्रेटन साइकिल, और इसको हम जूल साइकिल भी कहते हैं। तो इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ करना चाहेंगे। सबसे पहले इसकी चार मुख्य बातें हैं, वो यह है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए जूल साइकिल, यानी ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूल साइकिल को ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं और ब्रेटन साइकिल को जूल साइकिल भी बोलते हैं। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में जो प्रोसेस है हीट एडिशन का और हीट रिजेक्शन का वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। इट इज़ फॉर अ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। नेक्स्ट, इट इज़ यूज एज ए बेसिस फॉर गैस टरबाइन, यानी गैस टरबाइन का जो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिक साइकिल ऑफ गैस टरबाइन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एयर एटमॉस्फेरिक से कंप्रेस होती है, आती है और कंप्रेशर में जाती है, यानी कंप्रेशर जो है उस एयर को कंप्रेस करता है। सपोज ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है। जैसे ये पॉइंट वन है, पॉइंट वन का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेशर के इनपुट की तरफ जा रही है, और कंप्रेशर इस एयर को, यानी बेसिक फंक्शन क्या है कंप्रेशर, कंप्रेशर इज सक द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एंड कंप्रेस एंड डिलीवर। तो ये पॉइंट वन से टू, यानी ये प्रोसेस हो गया कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद टू टू थ्री में कंबशन चैम्बर बीच में है, यहाँ पर फ्यूल ऐड हो रहा है। फ्यूल ऐड होने का मतलब हीट ऐड हो रही है, तो हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट ऐड करेंगे, यानी ये हीट एडिशन प्रोसेस हो गया। इसके बाद टू टू थ्री हीट एडिशन हो गया। देन थ्री टू फोर में एक टरबाइन है, उस टरबाइन पर यह हाईली प्रेशराइज्ड गैस या एयर व्हाटएवर जो भी है उन दोनों में से, वो वहाँ पर जाकर एक्सपांड होती है। अगेन फिर फोर वन प्रोसेस हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो इन चारों प्रोसेस को मिलाकर जो साइकिल बनता है हम उसको बोलते हैं ब्रेटन साइकिल। तो अब उसको डिटेल में हम यहाँ बात करें। जैसे इसमें ब्रेटन साइकिल में जो प्रोसेस है वो चार तरह के प्रोसेस इसमें प्रक्रम काम आएंगे। पहला 1-2-2, यानी जो कंप्रेशन प्रोसेस है, जो कंप्रेशर के अंदर होता है वो होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसमें एंट्रोपी चेंज इज जीरो, यानी एंट्रोपी रिमेन्स सेम। तो कंप्रेशर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, ये प्रोसेस हुआ 1-2-2। दिस इज PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, दिस इज TS डायग्राम फॉर ब्रेटन साइकिल। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ब्रेटन साइकिल की कर रहे हैं। तो इसमें जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, उस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में ये प्रोसेस फॉलो हुआ। सपोज दिस इज प्रेशर 1 P1, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नो डाउट। तो प्रेशर बढ़ने से ये पहुंच गया यहाँ 1-2 पर, प्रोसेस 2 पर। फिर 2-3 के बीच में हम हीट ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग द फ्यूल,
हम हीट ऐड कर रहे हैं और वो हीट ऐड कर रहे हैं हम कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर। तो आप देखें यहाँ 2 to 3 प्रेशर रिमेन्स सेम ऑलवेज, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा। जब एक्सपांशन होगा तो प्रेशर भी ड्रॉप होगा, ये हमें यहाँ समझने की बात है। तो इस पीवी डायग्राम में सबसे पहले हम समझते हैं 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 हीट रिजेक्ट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको मैंने यहाँ मार्क भी किया हुआ है, दिस इज WC, यानी जो वर्क हम सिस्टम को दे रहे हैं दिस इज नेगेटिव वर्क। जो सिस्टम को हमें देना पड़ रहा है तो ये कंप्रेशर को हमें वर्क देना पड़ रहा है, तो वो हो गया WC वर्क कंप्रेशर। वर्क आउटपुट जो हमें यह एक्सपांशन में मिला, मैकेनिकल वर्क जो हमें एक्सपांशन में मिला वो उसको मैंने नाम दे दिया WE वर्क एक्सपांशन वर्क कंप्रेशन। QA क्यू ए मीन्स हीट एडिशन, हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीट रिजेक्ट QR मीन्स हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसी डायग्राम को PV डायग्राम को हम TS पर प्लॉट कर रहे हैं। TS डायग्राम में अगेन 1 to 2 नाम क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी एंट्रोपी रिमेन्स सेम। तो 0.1 की एंट्रोपी वही आएगी जो 0.2 की एंट्रोपी है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हम कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहले टेम्परेचर सपोज T1 था, तो अब टेम्परेचर बढ़कर T2 हो गया। अब 2-3 प्रोसेस अगेन हीट ऐड करेंगे यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कंप्रेशर का आउटपुट के बाद जो प्रेशर प्रेशराइज्ड एयर है उसका प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हमने हीट ऐड किया, यहाँ पर पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर हो गया आपका T3। अब टर्बाइन में जाकर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यानी वर्क हमें मिलेगा जिसको मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया WE से। तो ये हो गया आपका 3-4 प्रोसेस, अगेन हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये प्रोसेस और ये प्रोसेस का जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। तो P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 4 से 1 तक ये प्रोसेस चला, और यहाँ पर हमने QR हीट रिजेक्ट हो गई, QA हीट एड हो गई, WC हमें वर्क देना पड़ा, WE वर्क हमें मिला। तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें, यानी हम बात के ये इसमें ये कह सकते हैं कि जो ब्रेटन साइकिल है या जो जूल साइकिल है उसमें मेनली 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का होता है, दूसरा प्रोसेस हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, तीसरा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है, एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस जो है वो हीट रिजेक्टेड कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। तो इसको हमने PV और TS दोनों पर ड्रॉ करके समझा दिया है। इसके बाद हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज गिवन बाय, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज गिवन बाय हीट सप्लाइड या हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। यहाँ हम हीट एडेड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड।